गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित सक्सेना। सब्जेक्ट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 फॉर नाइन्थ क्लास एंड द टॉपिक इज पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स ऑफ सेकेंड यूनिट साइबर सेफ्टी। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7 of second unit, discuss some password cracking techniques. Password को crack करने के लिए जो कुछ techniques होती हैं वो आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं। इस answer में मैंने आपको 7 techniques बताई हैं और first technique है dictionary attack. The definition is the hacker creates a file विद वर्ड्स। जो हैकर्स होते हैं वो एक फाइल बनाते हैं अपनी जिसमें कुछ शब्द लिखे रहते हैं विच आर फ्रिक्वेंटली यूज बाई ए यूजर। ये वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कोई यूजर अपने कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा करता है एंड देन कंपेयर दीज वर्ड्स इन द फाइल अगेंस्ट द पासवर्ड्स और तब उन्हीं वर्ड्स का यूज करके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की जाती है। इट मीन्स कि ये जो हैकर्स होते हैं ये अपनी एक डिक्शनरी बनाकर रखते हैं और उस डिक्शनरी में ऐसे ही वर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा ये लोग लिखते हैं, उस डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स को ज्यादा लिखते हैं जो पासवर्ड में कोई भी पर्सन ज्यादा यूज करता है या फिर जिसको ये हैक करने वाले हैं, जिसके कंप्यूटर को ये क्रैक करने वाले हैं, वो पर्सन अपने कंप्यूटर में जो वर्ड्स ज्यादा यूज करता है उनके वर्ड्स की डिक्शनरी बना लेते हैं और डिक्शनरी के उन सभी वर्ड्स को 1 by 1 अप्लाई करके देखते हैं और ट्राई करते हैं पासवर्ड को क्रैक करने का। नाउ द सेकेंड टेक्निक इज ब्रूट फोर्स अटैक। दिस इज द सेकेंड टेक्निक टू क्रैक ए पासवर्ड, ब्रूट फोर्स अटैक। ये भी जो अटैक होता है, ये भी जो एक टेक्निक है, ये भी बिल्कुल डिक्शनरी अटैक की तरह ही होती है, लेकिन डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक में डिफरेंस क्या होता है कि डिक्शनरी अटैक में तो वर्ड्स की डिक्शनरी बनाई जाती है, वर्ड्स की डिक्शनरी बनाई जाती है, लेकिन ब्रूट फोर्स अटैक में वर्ड्स की जगह पर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। अब अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा पासवर्ड या एक ऐसा वर्ड जिसमें लेटर्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं। सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स इज नोन एज ए अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज सेम लाइक डिक्शनरी अटैक, ये बिल्कुल डिक्शनरी अटैक की तरह ही होता है ब्रूट फोर्स अटैक भी, बट द डिफरेंस इज, लेकिन जो डिफरेंस है, इन प्लेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जगह पर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन आर यूज, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है टू गैस द पासवर्ड, पासवर्ड का पता लगाने के लिए। नाउ द थर्ड टेक्निक इज रेनबो टेबल अटैक। सो दिस इज द थर्ड टेक्निक टू क्रैक ए पासवर्ड। अब कुछ ऐसे पासवर्ड भी होते हैं जिसमें लेटर्स या फिर अल्फा न्यूमेरिक जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें बहुत से लोग हैशेस का यूज करते हैं पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए, बट ये जो टेक्निक होती है रेनबो टेबल अटैक, ये टेक्निक जो भी पासवर्ड किसी यूजर ने बनाया है उस पासवर्ड में से जितने भी हैशेस होते हैं उन हैशेस को रिड्यूस कर देती है, हटा देती है, और उससे होता क्या है कि ओरिजिनल पासवर्ड निकल कर आ जाता है। तो सपोज कीजिए अगर आपने अपना एक पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, सपोज मोहित एट द रेट 1234 ये आपका पासवर्ड है, तो जिस भी साइट के लिए आपने पासवर्ड बनाया है वो मोहित एट द रेट 1234 में कहीं कहीं पर हैशेस का यूज कर देते हैं। सपोज M के बाद हैशेस लगा दिया, एट द रेट के बाद हैश लगा दिया,
तो इस तरह से वो जो वेबसाइट है जिसके लिए भी मैंने ये पासवर्ड क्रिएट किया है, वो मेरे पासवर्ड को और से ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए कुछ हैशेस यूज़ कर लेते हैं अपनी तरफ से। लेकिन ये जो रेनबो टेबल अटैक होता है, ये उस साइट ने जो अपना एक पासवर्ड क्रिएट करा है जिसमें बहुत सारे हैशेस का यूज़ हुआ है, तो वहाँ से हैशेस को हटाकर जो ओरिजिनल पासवर्ड है मोहित एट द रेट 1234 उसको कवर कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज फिशिंग। ये टेक्निक हमने पहले भी यूज़ करी थी, मतलब पढ़ा था इसके बारे में हमने अपने किसी लेक्चर में। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं आपको कोई मेल भेजता हूँ और उस मेल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपको ये ऑफ़र चाहिए तो इस ऑफ़र को लेने के लिए आपको अपनी डिटेल्स हमें देनी होंगी, और वो डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स भी हो सकती है और फाइनेंशियल डिटेल्स भी हो सकती है। पर्सनल डिटेल का मीनिंग होता है जैसे आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और आपकी जो फाइनेंशियल या फिर हम कहें कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो है जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका एटीएम कार्ड नंबर, आपका सीवीसी नंबर। तो ये चीज़ें कहलाती हैं कॉन्फिडेंशियल या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो आप उस ऑफर को लेने के लिए आप क्या करेंगे कि अपनी जो डिटेल्स हैं उन्हें उस मेल में एंटर कर देंगे, और उससे क्या होगा कि वो मेल जो है उससे वो सारी डिटेल्स मैं एक्सेस कर लूँगा। तो ये टेक्निक कहलाती है फिशिंग। एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल और मैसेज टू ए यूज़र। जो जब हम किसी भी यूज़र को एक मेल भेजते हैं या एक मैसेज भेजते हैं विद द इंटेंशन टू स्टील द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी एक कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है उसको चुराने के इच्छा से जब हम कोई ईमेल या मैसेज भेजते हैं तो उसे फिशिंग कहा जाता है। आपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा कि आपको एक मैसेज आता है जिसमें HTTPS और फिर बिट डॉट करके कुछ लिखा रहता है या फिर बिट हाइफन करके कुछ लिखा रहता है। तो ये जो सब मैसेजेस आते हैं ये मोस्टली सब आपके फिशिंग टेक्निक ही होती है जो कि आपका पासवर्ड वगैरह क्रैक करने वाली होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टेक्निक इज स्पाइडरिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने अपना कोई वेबसाइट ओपन किया हुआ है लैपटॉप में, फेसबुक ओपन किया हुआ है। तो फेसबुक को आप एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं कि आप उसमें आईडी और पासवर्ड फिल करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आईडी और पासवर्ड मैं फिल कर रहा हूँ इसे बस मैं ही देख पा रहा हूँ कि मैंने क्या फिल किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल्स में कुछ ऐसी अननोन चीज़ें आ जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि हमारे मोबाइल में है या फिर हमारे लैपटॉप में है। अब ये चीज़ें कैसे आती हैं, सपोज आपने कोई एक ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली मोबाइल में जिसकी जिसे प्ले स्टोर पर मतलब कि परमिशन भी नहीं है, एंड्रॉयड पर परमिशन नहीं है, लेकिन आपने जब उसे एक्सेस इंस्टॉल किया तब आपको एक मैसेज भी आता है कि इट कैन हार्म योर कंप्यूटर, इट कैन हार्म योर मोबाइल, इस तरह से। लेकिन उसके बाद भी आप लोग ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उससे कुछ ऐसे अननोन प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं जो कि एक जासूस का वर्क करते हैं आपके मोबाइल में। तो होगा क्या कि जब आप मोबाइल में या लैपटॉप में किसी भी फेसबुक को या व्हाट्सएप को चलाते हैं या कोई जीमेल वगैरह भी आप चलाते हैं, तो आपको लगता है कि बस आपने जो पासवर्ड और आईडी यहाँ पर टाइप की है उसे बस आप ही देख पा रहे हैं, लेकिन वो जो जासूस, वो जो सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, वो आपकी सारी जो आपके वर्क हैं उनको एनालाइज करता है, सबको स्कैन कर रहा होता है, और इस तरह से जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपकी उस वेबसाइट से कॉपी होकर जो भी हैकर है उसके पास सब कुछ पहुंच जाती है। डेफिनेशन से देख लेते हैं। ए प्रोग्राम विच स्कैन्स ईच पेज ऑफ ए वेबसाइट वन बाई वन। एक ऐसा प्रोग्राम या फिर हम इसे वायरस भी कह सकते हैं जो कि स्कैन करता है वेबसाइट के हर एक पेज को वन बाई वन, एक से एक एक करके, टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको हैकर तक पहुंचाने के लिए वो वेबसाइट के हर एक पेज को स्कैन करता है। ऐसा एक प्रोग्राम जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो उस टेक्निक को हम कहते हैं स्पाइडरिंग। सो ये थे 5 पॉइंट्स, 5 टेक्निक्स पासवर्ड को क्रैक करने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।